सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तुम देखो तुम्हें क्या करना है, वजह मिल ही जाती है। किसी से पीछा छुड़ाना हो या किसी का साथ निभाना हो, जो इंसान तुम्हें तकलीफ में देकर खुद रो पड़े वो इंसान कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। आज का पंचांग 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:17 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 8:44 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 3:15 से 4:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 7:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। धनुराशि 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, अपने करियर में बदलाव यात्रा का संकेत हो सकता है। ये यात्रा नए और रोमांचक आध्यात्मिक मार्गों के लिए आपके विचारों का विस्तार कर सकती है। मित्रों और परिवार के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। यह उच्च शिक्षा में नामांकन का यह कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। रिश्तों, साझेदारियों और व्यापारिक सौदे के लिए आज का दिन उपयुक्त है। कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच न करें, क्योंकि सीखने से ही आप निपुण बनेंगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझें, केवल नसीब वालों को यह मिलती है। आपकी किसी उचित कार्य शैली की वजह से समाज में आपकी पहचान बनेगी। मेहनत के सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक संबंध समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कई सारे लक्ष्य होने की वजह से आपको अपनी काबिलियत के अनुसार प्रयास करना होगा। जिन लोगों की वजह से आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न हो रही थी उन लोगों का प्रभाव कम होगा। जल्दबाजी की वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। अपने करियर की सफलता आर्थिक स्थिति से ना नापें। पार्टनर के साथ हो रहे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। लो बीपी की समस्या भी रह सकती है। सावधानियां, वहम की वजह से नजदीकी संबंधियों से कोई कहा सुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें तथा बिना किसी बात को समझे अपना निर्णय ना दें। इस समय बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपकी जिंदगी में यात्राओं का योग बन रहा है जो धर्म संबंधित भी हो सकती है। साथी से मिलने वाले सरप्राइज का खास अवसर के लिए तैयार हो जाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके साथ हैं। बस माता या पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। महीने के कुछ दिन आपको नई दिशा में ले जाएगी जहां आपको आपके सबसे खास व्यक्ति का प्यार और सम्मान प्राप्त होगा। रोमांस भी आज चरम सीमा पर होगा। आज आप स्वयं को बेहद भाग्यशाली मानेंगे। दूसरों की गलतियों और अनुभवों से कुछ सीखें। आपकी सरलता और आपका हंसमुख रवैया आपकी ताकत है। बात करते हैं करियर की। आपके अधिकारी या मालिक आप पर अभी कुछ समय से मेहरबान हैं और आपको जल्दी पदोन्नति मिलेगी। कार्य उच्च शिक्षा के लिए आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। पैशन बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी। बस धन के लेन देन में सावधान रहें। आज समय है अपने संबंधों को मजबूत बनाने का। अगर आप सेल्स में हैं तो आज आप एक बड़े सौदे की उम्मीद कर सकते हैं। कड़ी मेहनत और विश्वास आपको सफल होने में मदद करेंगे। याद रखें, जो वर्तमान को नियंत्रित कर लेता है उसका अतीत और भविष्य दोनों नियंत्रित रहते हैं। व्यवसाय में अपनी मेहनत के अनुरूप ही अच्छे नतीजे भी हासिल होंगे।
परिवार के लोगों की मदद से आपके कार्य क्षेत्र में और ज्यादा विकास होगा। किसी तरह के गैर कानूनी काम में दिलचस्पी लेना आपके लिए परेशानी वाला रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता तथा पाचन प्रणाली पर पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें तथा कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालें। लो बीपी की समस्या भी रह सकती है। आज का उपाय, आज अपन मान भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।